अध्यात्म में बहुत से रहस्य छिपे पड़े हैं। अगर उन रहस्यों को कोई जान लेता है तो वो अपने जीवन की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उसे बदल सकता है। हिंदू धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, उनका जो भोजन के प्रति आदर है उसके पीछे बहुत गहरी समझ है, जो आजकल की इंटरनेट वाली जनरेशन नहीं जानती। किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है, हम सभी उस जनरेशन में आते हैं। और भोजन करना एक साधारण सी बात हो भी नहीं सकती, क्योंकि जन्म से लेके मृत्यु तक भोजन करना ही पड़ता है। अब ऐसी प्रक्रिया जिसे छोड़ा ही नहीं जा सकता, तो सीधी सी बात है कि उसका हमारे जीवन पे, हमारे शरीर पे, हमारे मन पे, हमारे स्वास्थ्य पे बहुत गहरा प्रभाव होगा। अध्यात्म की गहरी समझ नहीं है, जैसे कुछ लोग 5 या 10 मिनट आंखें बंद कर लेने को ध्यान मानते हैं, जबकि ध्यान एक ऐसी घटना है जिसे किया ही नहीं जा सकता। और अगर किसी ने उस 5 या 10 मिनट के अभ्यास को ध्यान मान ही लिया है, तो जरूर उससे कुछ एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें उठ खड़ी हो जाएंगी। जैसे हम चाहते हैं कि जीवन में सेटिस्फेक्शन, एक प्रसन्नता, शांति आ जाए। अब इस बात को ध्यान में रखना, ये जरूरी नहीं है कि उस 5 या 10 मिनट के अभ्यास से वो शांति मिले। लेकिन कुछ लोग नहीं जानते, भोजन अगर इस तरीके से किया जाए कि वो प्रसाद रूप में ग्रहण कर लिया जाए, तो उससे आध्यात्मिक तृप्ति भी हो सकती है। और तुम जानते हो कि आध्यात्मिक रूप से अगर शांति है, तो उसकी तुलना जीवन के बाकी चीजों से नहीं की जा सकती। अगर कोई सच में चाहता है कि उसके जीवन में शांति आए, तनाव या बीमारियों से छुटकारा मिल जाए, तो इस वीडियो के दौरान में जो बातें कहूंगा और एक छोटा सा प्रयोग सिर्फ 2 दिन के लिए तुम करना, उसके जो परिणाम मिलेंगे वो 5 या 10 मिनट आंखें बंद करके बैठने से कहीं ज्यादा होंगे। 3 महत्वपूर्ण विषयों पे मैं बात करूंगा। पहला, आध्यात्मिक दृष्टि से भोजन करना एक साधारण प्रक्रिया क्यों नहीं है? किन बातों का ख्याल हमें अपनी मृत्यु तक रखना है, ताकि हमारा मन, हमारा शरीर स्वस्थ रहे? फिर एक छोटा सा प्रयोग, उसे तुम 2 दिन तक करके देखना। लेकिन प्रयोग से पहले कुछ बातों को समझ लेना जरूरी है। देखिए, विज्ञान ये कहता है 7 साल के अंदर हमारा जो शरीर है वो पूरा का पूरा बदल जाता है। बीमारी की जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, यानी जो डेड सेल्स हैं, वो खत्म कर दिए जाते हैं और उनकी जगह नई कोशिकाओं का निर्माण कर दिया जाता है। 7 साल में एक नए शरीर को हम प्राप्त कर लेते हैं। कैसे हो पा रहा है ये संभव? भोजन के कारण। और हमारा शरीर स्वस्थ है या उसमें बीमारी है, ये निर्भर करता है कि हम कैसे भोजन का चुनाव करते हैं। और उससे कहीं ज्यादा ये भी निर्भर करता है कि हम भोजन को ग्रहण कैसे करते हैं, यानी भोजन को करने का तरीका। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, भोजन करते समय या तो मोबाइल चलाते हैं या टीवी देखते हैं, या तो किन्हीं विषयों पे चर्चा करते हैं। अगर ये 3 चीजें भी नहीं हैं, तो मन ही मन या तो चिंता करते हैं, या तो किसी दूसरे के प्रति कुछ नफरत भरे विचार कर रहे होते हैं। यानी ज्यादातर लोग मन की तनाव भरी अवस्था में भोजन करते हैं,
जैन योगा में हमने एक बात पढ़ी थी, हमारे दिमाग के अंदर एक ऐसा हिस्सा है हाइपोथैलेमस। अगर कोई व्यक्ति भोजन करते समय बहुत ज्यादा तनाव में है तो दिमाग का वो हिस्सा एक हार्मोन रिलीज करता है और वो शरीर में भूख को सप्रेस कर देता है। यानी उस वक्त शरीर जो भी तैयारी चाहिए एक भोजन को अच्छी तरह से ऊर्जा में बदलने के लिए, यानी जिसे आयुर्वेद में जठर अग्नि बोलते हैं और विज्ञान उसे डाइजेस्टिव एंजाइम बोलता है, उनका बनना ही बंद हो जाता है। अब उस भोजन को पचाने में जो असली आग चाहिए वो तो बुझ गई, तो ये भोजन शरीर के अंदर दूसरे दिन तक सड़ेगा और बहुत सी बीमारियों को पैदा करेगा सिर्फ एक लापरवाही के कारण, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत गहराई नहीं है। अब जिस समय तुम्हारा परमात्मा जैसी कोई चीज़ से मिलन हो रहा है, कोई ऐसी चीज़ जो हमारा ही हिस्सा बनने जा रही है और जिसे हमें मृत्यु तक करते रहना है, हमने उसी को ही बिगाड़ रखा है। फिर एक व्यक्ति विचार करता है कि ये बीमारी हो गई, लेकिन उसका बीज बहुत पहले बो दिया गया था। और भोजन के समय जिस तरह के भी विचार मन में चलेंगे, भोजन उसी तरह के गुणों को धारण करेगा शरीर के अंदर। तो वो भोजन शरीर के अंदर इनर्शिया यानी तमस, डलनेस पैदा करेगा। तो जिसे लोग 5 या 10 मिनट का ध्यान बोलते हैं, हालांकि वो कंसंट्रेशन होगी, तो उसमें उनको नींद के झटके से आने लगते हैं, क्योंकि कोई चीज भीतर सड़ रही है पड़ी, शरीर को मेहनत लग रही है उसे बाहर निकालने में, क्योंकि वो बिना पचा हुआ भोजन है, तो मन कैसे शांत रह सकेगा। और ज्यादातर बीमारियों के मूल कारण पेट से ही शुरू होते हैं, और ये कोई प्रैक्टिस नहीं है, ये ऐसे ही किया जाता है। वो तो इस सदी के आते आते बहुत से मनोरंजन के साधन मिल गए, जिसकी वजह से गलत चीजें हमने सीख ली हैं। अब यहां तक तुम्हें ये बात तो समझ आ गई होगी कि भोजन को बड़े ही प्रेम से करना है, लेकिन मैं तुम्हें एक और नियम बताता हूं जिसे मैं मान के चलता हूं। अगर तुम्हारा मन किसी भी कारण से चिंता से भरा है, या तुम्हारा किसी से झगड़ा हुआ है, या कोई भी कारण, तो उस दिन तुम भले ही भूखे सो जाना, भोजन मत करना, उससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन उस वक्त अगर तुम भोजन करोगे तो उससे बहुत से नुकसान हो सकते हैं। अब मैंने कहा था इसमें मैंने एक छोटा सा बदलाव भी किया है, क्योंकि ये जो अभ्यास है, या इसे अभ्यास कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जीवन ऐसे ही जिया जाता है। आज के लोग नहीं जीते, लेकिन जो बहुत गहराई से जानते हैं जीवन को वो ऐसे ही जीते हैं। देखिए, हम बहुत सी चीजों को सीखते हैं, कुछ गलत चीजें हैं, जैसे इंटरनेट पे बहुत सी चीजें हैं, कुछ तनाव हम जीवन से इकट्ठा करते हैं, तो उसी तरह के विचार हमारे मन में चलते रहते हैं। भोजन करते समय भी ऐसी ही कुछ दुख और चिंताएं हमारे मन में घूमती रहती हैं। तो ये जो प्रयोग है, ये और भी प्रभावशाली हो सके तो उसके लिए तुम्हें एक छोटा सा और प्रयोग करना है। तुम्हें किसी भी समय एक डायरी पे भोजन के प्रति कृतज्ञता का भाव, भोजन के प्रति धन्यवाद के संबंध में कुछ शब्दों में लिखना है, कुछ लाइंस में लिखना है। जैसे मैंने लिखा था, हे भोजन, अगर तू है तो मेरा ये शरीर है, तेरे कारण ही मुझे पोषण मिल पाता है, तो मैं इस जीवन को बेहतर ढंग से जी पाता हूं।
अगर तुझसे मुझे पोषण ना प्राप्त हो तो मेरे पास वो बल ही नहीं होगा कि मैं थोड़ा सा चल भी पाऊं। जब भी मुझे बहुत भूख लगती है तो मेरा मन थोड़ा सा बेचैन हो जाता है। जैसे ही मैं तुम्हें ग्रहण कर लेता हूं तो मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। भूख इतनी बेचैनी पैदा कर देती है कि ऐसा लगता है कि जीवन कुछ भी नहीं है, और हे भोजन, तुम्हें ग्रहण कर लेने के बाद इतनी तृप्ति मिल जाती है, ऐसा लगता है कि ये जीवन बहुत खूबसूरत है। और तेरा मेरी थाली तक का पाना, उसके पीछे कितनी व्यवस्था है। सूर्य की किरणें इस धरती को पोषण देती हैं और वहीं पे अन्न उगता है, और प्रकृति से मैं तुम्हें ग्रहण कर लेता हूं। मेरे भीतर तुम्हें ग्रहण कर लेने से ऊर्जा आती है, जिसका इस्तेमाल मैं बहुत से कार्यों में कर पाता हूं। तेरा आदर ही इस जीवन का आदर है, अपने आप का आदर है। तो ये मैंने कुछ बातें लिखी थी, तुम चाहो तो इसे प्रार्थना भी मान सकते हो। तुम ये बातें लिखना, जैसे तुम्हें जीवन में तुम बहुत सी बातें सीखते हो, ऐसी बातें मन में घूमती रहती हैं, तो बहुत संभावना है कि भोजन करते समय कुछ ऐसी बातें तुम्हें याद आ जाएं और भीतर जो अहंकार की परत उठती रहती है वो मिट जाए। और भोजन करना एक प्रार्थना या एक पूजा जैसा हो जाए। और तुम देखना, इस प्रयोग को कर लेने के बाद और फिर तुम तुलना करके देखना कि जो तुम आंखें बंद करके 5 या 10 मिनट बैठते हो उसके साथ। ध्यान कुछ ऐसा नहीं है कि वो 5 या 10 मिनट का खेल है, पूरा जीवन ध्यान ही है। बस हमें कुछ बातें रोक लेती हैं इस सच्चाई को देख लेने से। 2 दिन ये प्रयोग करके देखना, उसके बाद फिर जैसी तुम्हारी मर्जी।